हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन. सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3. ओके, एंड द चैप्टर नंबर 3 इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो वी गो अहेड, चलिए आगे चलते हैं. ओके, सो एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस. अब उस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और प्रेडिकेट भी होता है. तो चलिए आज हम इस चैप्टर में सीखते हैं क्या होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सेंटेंस में ये तो होता ही है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. कि सेंटेंस किसके बारे में है, राइट? जिसकी भी बात हो रही है सेंटेंस में, वो है उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट. जैसे कि द ग्रीन ग्रेप्स ग्रू ऑन द वाइन. सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रीन ग्रेप्स की. सो ये है सब्जेक्ट. ओके, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स वॉट द सब्जेक्ट डज और इज. और जो प्रेडिकेट है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है, राइट? जैसे रिया इज अ गुड गर्ल. किसकी बात हो रही है? रिया की. सो रिया है सब्जेक्ट. अब रिया क्या है? गुड गर्ल है. सो इज अ गुड गर्ल इज प्रेडिकेट. जैसे कि द ग्रीन ग्रेप्स ग्रू ऑन. सो ग्रू ऑन क्या है यहाँ पर? प्रेडिकेट. ओके, सो जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में बच्चों, वो है सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या करता है या कर रहा है, वो सब है प्रेडिकेट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर. रीड ईच सेंटेंस बिलो. नीचे वाले सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं. If it is a complete sentence, अगर ये complete sentence है that includes both, जो दोनों include करता है क्या? subject भी और predicate भी. Write complete inside it, okay? If the sentence is incomplete, अगर sentence incomplete लग रहा है, मतलब हमें उसका sense नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें लिखना है incomplete, okay? चलिए, the laundry basket was full of clothes. समझ आ रहा है पूरा? कि लॉन्ड्री की जो बास्केट थी वो क्लोथ से भरी हुई थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्लीट. ओके, गर्ल्स एंड बॉयज गो बैक टू स्कूल. यस, दिस इज आल्सो कंप्लीट बिकॉज सेंस बन रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल वापस गए. ऑल ऑफ माय वंडरफुल फोर्थ ग्रेड टीचर्स. क्या? मेरी सभी वंडरफुल फोर्थ ग्रेड टीचर्स. अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है, लेकिन मिसिंग क्या है? मिसिंग है हमारा प्रेडिकेट. ओके, बिकॉज ये है इनकम्प्लीट सेंटेंस. चलिए आगे चलते हैं. यस, स्पेलिंग. अब कोई सेंस बन रहा है आपको, समझ आ रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है? स्पेलिंग. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये है इनकम्प्लीट. और यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग है प्रेडिकेट. ओके, कैन समटाइम्स बी ट्रिकी. ये भी है इनकम्प्लीट. और यहां हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है. व्हाट समटाइम्स बी ट्रिकी. ओके, और हु कैन समटाइम्स बी ट्रिकी? माई बेस्ट फ्रेंड जैस्मिन. ठीक है, आप जैस्मिन की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है बिकॉज कोई सेंस नहीं बन रहा और यहाँ पर मिसिंग है प्रेडिकेट, राइट? चलिए, मिसेस शर्मा गिव्स अ लॉट ऑफ होमवर्क. यस, दिस इज कंप्लीट बिकॉज ये सेंस बना रहा है. आई एम स्टार्टिंग विद पॉइंट 8. राइटिंग इज द बेस्ट सब्जेक्ट. सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है. विच राइटिंग इज द बेस्ट सब्जेक्ट? सो ये भी होगा आपका इनकम्प्लीट. ओके, बिकॉज हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी राइटिंग बेस्ट सब्जेक्ट है. इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग, व्हाट राइटिंग? रन अक्रॉस द फ्लोर, ये भी इनकम्प्लीट है.
हु रैन अक्रॉस द फ्लोर, ओके, एंड वॉट रैन अक्रॉस द फ्लोर, हमें नहीं पता. सो इनकम्प्लीट. आई सॉ दैट मूवी, दिस इज कम्प्लीट बिकॉज मैंने वो मूवी देखी. आई सॉ दैट मूवी, तो क्या किया यहाँ पर सब्जेक्ट ने, मूवी देखी. सो हमें पता चल गया. सो ये आई हुआ हमारे लिए सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट, राइट. सो लेट्स गो अहेड. नाउ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस. इन सभी सेंटेंस में बच्चों हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढना है. एंड अंडरलाइन सब्जेक्ट वंस एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट ट्वाइस. प्रेडिकेट को दो बार अंडरलाइन करेंगे और सब्जेक्ट को एक बार. आई बिल्ट अ सैंड कैसल एट द बीच. सो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, बिकॉज किसकी बात हो रही है, आई की. और क्या किया उसने, बिल्ट अ सैंड कैसल एट द बीच. सो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, डबल लाइन करेंगे हम यहाँ पर. माई फेवरेट कलर इज ऑरेंज. माई फेवरेट कलर इज ऑरेंज. द स्पाइडर स्पन द वेब. द स्पाइडर स्पन द वेब, राइट. माई आंट लॉरा. सो किसकी बात हो रही है, माई आंट लॉरा की. क्या किया उन्होंने, बॉट मी अ न्यू शर्ट ऑन माई बर्थडे, राइट. चलिए, द ब्राउन डॉग डग अ होल इन माई यार्ड. सो किसकी बात हो रही है, ब्राउन डॉग की. और उन्होंने क्या किया, डग अ होल इन माई यार्ड. करण सिस्टर इज गोइंग टू प्ले सुकर. सो करण सिस्टर इज गोइंग टू प्ले, क्या करने वाली है, इज गोइंग टू प्ले सुकर. फाइव फरी डॉग्स रन अक्रॉस द फील्ड एट द पार्क. किसकी बात हो रही है, फाइव फरी डॉग की. रन अक्रॉस द फील्ड एट द पार्क. सो ये हुए हमारे प्रेडिकेट, ओके. Travis rode his bike to school today. So, Travis की बात हो रही है. And what he did? He rode his bike to school today. Okay? So, ये exercise यहाँ complete होती है. So, बच्चों, जो subject है sentence में, वो ये बता रहा है कि sentence किसके बारे में है, right? वो हुआ subject. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है या करता है या क्या है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट, ओके. सो लेट्स गो अहेड. नाउ मेक कंप्लीट सेंटेंस बाय इंसर्टिंग ईदर अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. अब कहीं सब्जेक्ट नहीं है और कहीं प्रेडिकेट नहीं है. सो हमें इसे बनाना है. डैश इज बिल्डिंग अ नेस्ट. सो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है. द बर्ड इज बिल्डिंग अ नेस्ट, ओके. डैश वर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स. किसे कहा गया था, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स. द स्क्विरल्स आर ईटिंग नट्स, ओके. So the squirrel are eating nuts. Okay, मैं इसे और क्लियर लिख देती हूँ. Eating nuts. Dash is good for health. So green vegetable is good for health. Dash comes every Wednesday. कौन आता है, My cousin comes every Wednesday. How are you? How are you? Okay. Sachin Tendulkar is a great cricketer. Okay. Dash wore a blue dress. My wife wore a blue dress. My dog Branny is very loyal. Okay? Dash cooks food for me. My aunt cooks food for me. So, इस तरह से बच्चों कहीं subject missing है और कहीं predicate. आप चाहो तो इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हो, right?
और चाहो तो यही आप अपनी बुक में कॉपी कर सकते हो, राइट? सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ पर हमारे लिए एक इंटरप्रिटेशन बॉक्स है और इसमें लिखा है द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस हैज अ वर्ब. उसमें वर्ब होती है, जैसे कि ये है प्रेडिकेट, राइट? चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स. सो ये क्या है? वर आस्क्ड वर्ब. वर इज द हेल्पिंग वर्ब और आस्क्ड है मेन वर्ब. सो प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है, राइट? चलिए आगे चलते हैं. दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज डी. इसमें हमें क्या करना है? मैच द सब्जेक्ट्स इन कॉलम वन टू देयर करेक्ट प्रेडिकेट इन कॉलम सेकेंड. ये है सब्जेक्ट्स और ये है प्रेडिकेट. हमें इसे मैच करना है. ओके, माई सिस्टर एंड आई प्ले फुटबॉल. ओके, सो आप मैच भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. ओके, चलिए. एप्पल्स, एप्पल्स टर्न येलो रेड एंड ऑरेंज. माई ब्रदर needs to do a lot of work. Okay, so the squirrel collected acorns. The leaves fell from the tree and the weather begins to get cooler. Okay, so इस तरह से हमने क्या किया? हमने एक proper sentence बना दिया जो देता है एक कंप्लीट सेंस, जो हमें समझ में आता है, राइट? सो इस तरह से कॉलम वन इज सब्जेक्ट, कॉलम टू में है प्रेडिकेट और हमने इन्हें सही जगह पर मैच कर दिया. ओके, सो आई होप कि अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा. बच्चों, सब्जेक्ट सेंटेंस जिसके बारे में होता है और सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है, वो होता है प्रेडिकेट. ओके, सो वी गो अहेड. Now we have a topic, prefixes and suffixes, from your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series. Okay, so prefixes and suffixes. अब क्या होते हैं बच्चों prefixes and suffixes? इनसे हम एक वर्ड से बहुत सारे दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं. ये होते हैं prefixes and suffixes. Prefix पहले देखते हैं. A prefix is a word जो ऐड किया जाता है बिगनिंग में. किसके? टू द रूट वर्ड, ऑफ द रूट वर्ड. रूट वर्ड के बिगनिंग में ऐड किया जाता है, शुरू में ऐड किया जाता है टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. ओके, सो प्रिफिक्सेस ऐड होने से, मेन वर्ड में प्रिफिक्स ऐड होने से एक नया वर्ड बन जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अन, अन को आप माने प्रिफिक्स. ओके, दिस इज प्रिफिक्स प्लस हैप्पी. हैप्पी क्या है? हमारा रूट वर्ड. अन प्लस हैप्पी क्या बन गया? अनहैप्पी. तो न्यू वर्ड हमें मिल गया अनहैप्पी और मीनिंग भी बिल्कुल चेंज है, राइट? सो अब सुफिक्सेस क्या होते हैं? सुफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड के बाद में लगते हैं, राइट? और सुफिक्सेस आर एंडेड एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड. बाद में एंड होते हैं और इससे भी मीनिंग वर्ड का चेंज हो जाता है. जैसे कि फॉरगेट इज द रूट वर्ड, सुफिक्स बाद में लगते हैं, प्रिफिक्स पहले लगते हैं. ये आपको याद रखना है. प्लस फुल, फुल इज द सुफिक्स, फॉरगेट फुल, राइट? सो क्या हो गया? फॉरगेट फुल. ये हमें मिल गया यहां पर न्यू वर्ड. ओके, वी गो अहेड. नाउ यूज अ प्रिफिक्स और अ सुफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. चलिए, अब हमें या तो प्रिफिक्स ऐड करना है या सुफिक्स. सो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि हमें बच्चों क्या ऐड करना है, राइट? डोंट स्टैंड नियर द वॉटर, वाटर के पास मत खड़े हो, इट्स टू. अब हमें, हमारे को सबको रूट वर्ड मिले हुए हैं. ये सारे हमारे क्या हैं बच्चों? ये सब हैं हमारे रूट वर्ड्स. ओके, और हमने इन्हीं में ऐड करके एक नया वर्ड बनाना है. So it's to dangerous. अब हमने इसमें क्या ऐड किया? O-U-S. हमने इसमें ऐड किया O-U-S. So ये क्या है? हमारा सुफिक्स. ओके, बिकॉज हम इसे बाद में ऐड कर रहे हैं. आर मैथ्स डैश इज वेरी पोलाइट. हमारी मैथ्स बहुत पोलाइट है. कौन?
टीच में हम ऐड कर रहे हैं ई आर, तो क्या बन गया यहां पर वर्ड? टीचर, राइट? रोहित डिडंट थिंक द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. हम इसमें ऐड कर रहे हैं आई एन जी, यहां भी हम सुफिक्स ऐड कर रहे हैं, यहां भी सुफिक्स ऐड कर रहे हैं. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, मार्क कांट स्विम, मार्क स्विम नहीं कर सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता. इट्स डैश फॉर हिम, क्या है इसके लिए? इम्पॉसिबल. ओके, सो ये हमने यहां पे ऐड किया प्रिफिक्स. इम्पॉसिबल है उसके लिए स्विमिंग करना. ओके, स्टीलिंग अदर पीपल्स थिंग इज, दूसरों की चीजें चुराना क्या है? ऑनेस्ट नहीं, इज डिसऑनेस्ट, इज डिसऑनेस्ट. ये हमने ऐड किया प्रीफिक्स. ब्रूस वॉज वेयरिंग अ एन शर्ट, कैसी शर्ट? यू एन प्लस, ये हमने ऐड किया अनयूजुअल शर्ट. ओके, अनयूजुअल शर्ट. आई लाइक दिस स्कूल, मुझे ये स्कूल पसंद है. द स्टूडेंट्स आर वेरी प्लस एल वाई, हमने ऐड किया सुफिक्स फ्रेंडली. फ्रेंडली, राइट? इफ यू हैव अ हेयर कट इट विल चेंज योर अपीयरेंस, ए एन सी ई, ये हमने ऐड किया सुफिक्स. तो क्या बदल जाएगा हमारा? अपीयरेंस बदल जाएगा, मतलब हम अलग दिखेंगे. ओके, मैथ्यू ड्राइव्स वेरी फास्ट, मैथ्यू बहुत फास्ट ड्राइव करता है. ही इज टू इम्पेशेंट, जिसमें पेशेंस ना हो, मतलब क्या ना हो? धैर्य ना हो. ओके, उसे कहते हैं इम्पेशेंट. तो हमने ऐड किया यहां पर प्रीफिक्स. सो इम्पेशेंट. थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू. ओके, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल. सो ये ऐड हुआ यहां पर सुफिक्स. यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल. ओके, सो है ना इजी? सेंटेंस पढ़ के भी हमें कई बार समझ आ जाता है कि हमें इसमें प्रीफिक्स ऐड करना है या फिर सुफिक्स ऐड करना है. सो दिस इज द बी एक्सरसाइज, राइट द प्रीफिक्स और सुफिक्स. हमें प्रीफिक्स और सुफिक्स लिखना है. ये हमें यहाँ पर ग्रिड दिया हुआ है, इसमें से ढूंढ कर. ओके, और हमें इन फ्रेसेस के लिए, ये सारी फ्रेसेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना है. ओके, या तो वो प्रीफिक्स हो या फिर सुफिक्स हो. यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, हम इससे हेल्प ले सकते हैं. जैसे कि टू बी विदाउट हार्म, तो क्या होगा? टू बी विदाउट हार्म, हार्मलेस. सो हम यहां पर लिख देंगे हार्मलेस. ओके, टू वॉच राइट नाउ, आप ढूंढेंगे इसमें से वॉचिंग. वॉचिंग, ओके, जिस तरह से यहां पर डैश के बाद प्रीफिक्स या सुफिक्स शो करे हुए हैं, वैसे ही मैं यहां पर भी कर रही हूं वॉचिंग. ओके, सो टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस. चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें शो करना है कि प्रीफिक्स ऐड हुए हैं या सुफिक्स, तो हम इसके बीच में डैश भी दिखा सकते हैं. ओके, टू बी फुल ऑफ प्ले, प्लेफुल, प्ले फुल. ओके, टू रॉन्गली स्पेल, टू रॉन्गली स्पेल का क्या होगा बच्चों? मिस स्पेल, राइट? सो मिस स्पेल. ओके, विदाउट अ होम, होमलेस, होमलेस. ओके, टू राइट अगेन, रीराइट, रीराइट करते हैं हम, रीराइट. मोर देन स्लो, मोर देन स्लो, स्लोली, स्लोली, राइट? टू कुक बिफोर कुक्ड,
not happy, unhappy. To be without care, careless. Full of thanks, thankful. आपको इन डैश से पता चल रहा होगा कि हम क्या इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड या क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड कर रहे हैं. ओके, क्या हमने ऐड किया है और न्यू वर्ड हमारा बन गया है. राइट, सो आई होप कि बच्चों अब आपको प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.